मान लो कि यह अज खटखट कलां की धरती है जिथे शहीद आजम सरदार भगत सिंह का बुत लग्या होया है। एक पंजाब का मंत्री जिहड़ा इंतजार कर रहा है कि कदों दिल्ली का मंत्री आऊगा, पहला वह हार पालूगा बाद च मैं पालांगा। वह मंत्री किसी भी पार्टी का हो सकता, कोई भी उहदा नाम हो सकता, संता सिंह बंता सिंह। लोग पेशा नाटक बुत जाग पिया। इनकलाब 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 ओहो बल्ले 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 भी बल्ले ओ जौदा रहे जौदा रहे जौदा रहे साडियां मौजा हो गया ए भाव मारी गया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिवें कि तुहानू पता ही है अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जिहड़ा खटकर कलां दे विच आपां बुत लाया होया इत्थे हार पाउण दी जिहड़ी रसम है साडे दिल्ली तों मंत्री जी आ रहे ने लाला बनारसी दास जी जिन्हां ने पहला भगत सिंह होरां नूं हार पाउणा फिर मैं भी हार पावांगा। आपां गज वज के जदों बनारसी दास जी होरी इत्थे पहुंचण ताड़ियां मार के स्वागत करना भी उन्हां नूं दस देना कि साडे पंजाबियां दे विच किन्ना जोश हुंदा है। सो लाला बनारसी दास जी इत्थे पहुंच ही गए ने लाला जी तुहाडा इत्थे पहुंचण ते बहुत बहुत धन्नवाद। ओ मेरे लोको दसो लाला जी नूं कि असीं किन्ने जशीले लोक हां। ताड़ियां मार के लाला जी दा लाला जी देखो देखो पंजाबियां दा जोश थोड़ा जिहा ठंडा होया पिया पर गर्म होणगे गर्म। देखिया आप देखिया लाला जी वैसे सेहत मंत्री ने जो अक्सर आप ही बीमार रहिंदे ने कोई गल नहीं पर लाला जी साढ़े तो गलती होगी चलो कोई गल नहीं आप ही नीवा कर लो कोई गल नहीं तुसी जनता दे सेवक हो फिर की होया। हाँ हाँ लो जी मैं चाहांगा कि हार पाउण तो पहला साढ़े लाला बनारसी दास जी साड़ी संगत वास्ते दो शब्द कहन। जय हिंद। मेरे सूरवीर भैणों ते भरावो निक्के बच्चियो जिवें कि तुहानू पता है कि अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। उसे दे मुताबक जिवें मैनू पता लग्या मैं दिल्ली उन्हां दे चरणां विच उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई आया वा। शायद एक गल तुहानू सभनां नूं याद होवेगी के शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने फांसी दे तख्ते ते चढ़दे होए आख्या सी इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब ते असी नहीं लिया सकदे क्योंकि साडा देश विदेशी कर्जे नाल दबिया होया है पर अज दे दिन असी इनकलाब जिंदाबाद जरूर आखांगे। सो हुण जदों मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि भेंट करन लई जावां तुसी सारयां ने ताड़ियां मार के स्वागत करना है मेरा। लाला जी बस तुसी हार पाओ ताड़ियां तां मैं बहुत मरा दूंगा जी। घोड़ी ला गया वहां ਸਰਦਾਰ
ਪਾਦੋ 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 की गल होगी नाना जी दरअसल मेरे को गलती हो गई है। हार पाउण दा पहला हक सरदार बंदा सिंह दा है। अच्छा जी मैं इन्हों मेहनती करांगा कि शहीद आजम नूं श्रद्धांजलि भेंट कर सरदार बंदा सिंह देखिया वो देखा मेरे लोगों एवे अपोजिशन वाले रौला पाते रहेंगे अगे साड़ी सेंटर में चलती नहीं। देखिया एक छोटे जे MLA नू एडा वड्डा साडे देश दा मंत्री कह रहा कि हार पहला मैं पावा। देखो ऐसी खुशी की गल होर कि नहीं हो सकती है। लाला जी धन्यवाद शुक्रिया तुसी सानू ये माण दिता। हार पाउण वाली कड़ी गल आप पा दें ਪਾਰਿਆ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖੇਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਟਖਟ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾ ਜੀ ਪਾਉਣ। ਲਓ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬਣੋ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਣਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਢੂਈ ਤੋੜਦੀ ਸੀ
गलती हो गई है, प्लीज बता सी जी, मैं आगे भी मीटिंग अटेंड करनी है, यार तुसी पाओ। देखो मेरे लोगो, आज साडे विचकार ओ शख्स जिन्होंने हस्पताल बनवाए, जिन्होंने कॉलेज बनवाए, जिन्होंने सड़क बनवाइया, जिन्होंने पुल बनवाए, मेरी मुराद इस बुक के हार पाउंगे और आके मेरी मुराद लाला बनारसी दास जी। बंदा सिंह जी, तुसी उधर ध्यान रखो। मैं पूरा ध्यान रखूंगा जी, तुसी बस हार पाओ। कोई दुश्मन साडे ते वार कर ले, देखो ओ नाम जी ना थोड़ा भलेखा। हां भलेखा ही है जी। हां पाओ पाओ। जिवें लाला जी हार पाउण, तुसीं ताड़ियां नाल स्वागत करना। हिंदुस्तान दे बबल शेर हो, इस करके हार पहला तुसी पाओ। मैं हिंदुस्तान दा किद्दड़ भी नहीं हां, हार तुसी पाओ। मैं कहा जी तुसी पाओ। मैं कहा सारा पंजाब तुहाडे सिर ते चलदा पिया, ए हार पाउण दा पहला हक तुहाडा। ओ महाराज, ओ महाराज, ओ साडे सिर ते तां कल्ला पंजाब चलदा, तुहाडे सिर ते पूरा हिंदुस्तान चलदा। ओ मेरे
हिंदुस्तान मां दे बब्बर शेर हो, इस करके हार तो तुम पाओगे। मेरा बटे हूं तो ना तेन मैं हार तू पाएगा। मैं नहीं तेरा हुक्म हुक्म मानता, जा पे पा दे। तू जलेबियां तलना ना, इना खर्चा करके असि तेन दिल्ली तो पंजाब सद्या, तू इथे की लैना आ? मैं क्या तू पाएगा? ओ तू पाएगा, तू पाएगा, तू पाएगा, तेरा बुढ़ा भी पाएगा। ओ तेरा बुढ़ा भी पाऊगा, तेरा दादा भी पाएगा। तू पाए, तेरा नकर दादा भी पाएगा। तू पा, तेरा खानदान पाएगा। तू पा, हार पा, ओ हार ए हार मैं पावांगा। तू तू कौन है? मैं भगत सिंह, भगत सिंह का वारस हूं मैं। मैं भगत सिंह का वारिस, तू पा ले, तू कसुन खा ले। आहो पैन लगे हूं। मेरे वीरों ते भरावो, भगत सिंह ने तो यह जे चोर डाकू अपने जोड़े की पछाण लिया सी, ते असी इन्हां नूं अज पछाणिया। जे तुसी भगत सिंह दे सुपनिया दा समान होने हो तो मेरे नारे दा जवाब नारे जी दिओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एसी नाटक बुत जाग पिया मैं पेश करन जा रहा करे कला मंच। तेजे पुरुष हार गए, तेजे पुरुष हार गए। कौना काली की जय, पूजा काली की जय। 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 हेलो हेलो, ये जो कोई तुसी देख रहे हो ये नाटक नहीं, ये साड़ी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये बंदा जेड़ा मारिया कुटिया जा रहा है, इसके विचों इसके बाप का पोत कटिया जा रहा है, पर ये एक आम आदमी है। मरन वेले इसके बाप ने इसे ताड़ना की थी कि तू अपनी छोटी भैन का ख्याल रखना है, पर ये ख्याल ना रख सकया, जिसका वड्डा कारण इसकी गरीबी जा तंगी तुसी कह लो। पैसे की तंगी कारण इसने अपनी भैन का ब्याह एक बुढ़े आदमी नाल करता, बुढ़ा आदमी छेती मर गया, इसकी भैन विधवा हो गई, इसकी जमीर इस नूं इस गल ते लानता पा रही है, इसके बापू की जमीर इस नूं इस गल विच लानता पा रही है, ते इत्थे इसके विचों इस बाप का भूत कटन का उपराला किया जा रहा है। ਪੰਜੋਰੀ ਦਾਸਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲਦਾ ਪੰਜੋਰੀ ਦਾਸਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲਦਾ ਪੰਜੋਰੀ ਦਾਸਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲਦਾ ਪੰਜੋਰੀ ਦਾਸਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ठीक है यार,
मैं तेन फिर कहना इस मुंडे सीट निकल जा। मैं नहीं निकला ना, जानता नहीं मेरे गुस्से नू, मैं तेन पुट्ठा टिकाऊ। तू जो मर्जी कर ले पर मैं कब्जे च नहीं निकलना। अब मैंने भुख लगी खीर नहीं जा। क्योंकि मैं अपनी पार्टी का बड़ी खीर नहीं खाऊंगा। वह मैं चार दिन भी साडे समाज का एक हिस्सा है कि जेड़ी गल बंदा आप ना कर सकता होवे जां उस दे दिल दी कमजोरी होवे तां उस दा इल्जाम किसे ना किसे तीमी ते ला दित्ता जांदा। जे दो भरा भरा आपस विच लड़दे होण तां फिर भी कहा जांदा कि गंढ दे हत्थां ते लड़ रहे ने। जे एक पढ़िया लिखिया भरा अपने किसान भरावां नाल ठीक सलूक नहीं करदा तां फिर भी ये कहा जांदा कि जदों दा इसने एक मास्टरी नाल ब्याह करवाया उदों दा होर तू होर हो गया। होर तां होर जे बंदा अपनी तीवी नाल भी ठीक सलूक नहीं करदा फिर भी ये कहा जांदा कि इसने अपनी गंढ नहीं चुकदा, यानी कि बंदे नूं उस दीआं हरकतां दा जिम्मेवार नहीं ठहराया जांदा। सगों कसूर किसे ना किसे तीवी ते ला दित्ता जांदा। ये तीवी भाभी हो सकदी है, मां हो सकदी है, सस हो सकदी है, नूंह हो सकदी है, इसलिए इसकी जमीर दा निशाना भी इसकी अपनी बोलती है। ये बंदा मानसिक रोगी है, जे उस विच होवे तां अपनी तीवी नूं कुटदा है। इसका इलाज इन्हां भूत प्रेतां कढ़न वालिआं कोले नहीं, सगों इसका तरीका है इस दी जमीर दा पार लाया जावे। ये चंगा बंदा है, जमीर वाला बंदा है, तां ही तां इसने गलती करन दा पार अपनी जमीर ते पा लिया। जे ये बेजमीरा हुंदा चाह ढीठ हुंदा तां कदे वी इस दी गलती दा पार इस दे मन ते ना पैंदा ते ना ही इसदा ए हाल हुंदा ते ना ही इस दे बापू दी जमीर इस नूं फटकारा पाउंदी। इसदा इलाज सौखा कीता जा सकदा है, इसदा इलाज मारकुट दी बजाय प्रेरणा नाल भी हो सकदा है। यही फर्क पुराने वहिमा परमा ते अज दी साइंस दी तरक्की विच है। ये बंदा मानसिक रोगी है, इसदा इलाज इन्हां भूत कढ़न वालिआं कोले नहीं सगों मानसिक रोगों के डॉक्टरों को है। जिवें कि दिल के रोगों के डॉक्टर, अखां के रोगों के डॉक्टर, चमड़ी के रोगों के डॉक्टर, इस ही तरह एक मानसिक रोगों का भी डॉक्टर होंगे, इस ही तरह एक मानसिक रोगों का अस्पताल भी होंगे। पर इस बेचारे का रोग तो सीधा ही है, इस नूं तां असीं भी ठीक कर सकते हैं। जे इस दे मरे हुए बाप की आवाज दे विच इस नाल गल करके इस दे मन दे पए बोझ नूं दूर किया जाए तो यह बंदा छेती ठीक हो सकता। असीं कोशिश करके देखते हैं। मत्था टेक मत्था। ओए कौन हो तुसी? असीं तेरे प्यो। तू की हाल बना लिया अपना शेरा? तुसी तो कीता है बापू जी। ना भला मैं क्यों करना सी पुत? मैं पाप जी बहुत बड़ा कीता सी। तू की पाप कीता सी पुत? बापू मैं अपनी बोटी ना चिपके चिपके गए ने ना अपनी बिंदा पैदा मैं उस बुढ़े आदमी जो करता सी। पर पुत्र वो तो तेनू कदी नहीं सी कहती, वो तो तेनू मना करती सी। पुत्र तू याद कर, पुत्र याद कर। नहीं बापू मैनू पक्का याद है। तुसी बापू मेरे नाराज तो नहीं गए? नहीं पुत्र नाराज नहीं, वो सारा कुछ ही मेरी बीमारी ते लग गया सी। पुत्र तू याद कर, याद कर। पर बापू मैं अपनी टूमा ढाउण सी दिंदी। पुत्र तू फिर चंगी तरह याद कर, टूमा तो सारिया मेरी ही बीमारी ते लग गईयां सन। पुत्र मैं ही बर्न वेले कुछ नहीं सी छड़ के गया। इस कसूर तेरा नहीं पुत्र, सगों समाज मेरा ही कसूर गिण सकदा। तू याद कर पुत्र, याद कर। हाँ बापू मैनू याद आ गया, पर बापू तू मेरे नाराज तो नहीं है? नहीं पुत्र मैं तेरे नाल नाराज का तू होना है। उठ उठ के परना बन, ये तेनू एवे पखंडी साधा कोल ले फिरते। उठ लड़ता नहीं सकदा, तेनू ढाई पिया।
जेड़ा पहला मानसिक रोगी सी होने बिल्कुल ठीक है होने साड़े समाज दा सुधार है समाज जेड़ा आबादी दे बहुत हिस्से नु कंगाल रखदा है जे बंदा गरीब ना हुंदा तां अपनी भैण दा ब्याह किसी हाण दे मुंडे नाल कर दिंदा तां ना ही इस दी जमीर दा बहुता भार इस दे मन ते पैंदा ते ना ही इस दा ई हाल हुंदा ते ना ही इस दे बापू दी जमीर इस नु फटकारा पाउंदी अज दी साइंस ए कहंदी है कि दुनिया ते रूहां बदरूहां नां दी कोई चीज नहीं ए चाहुंदे ने कि असीं हमेशा वहिमां भरमां दे चक्करां विच फसे रहीए ते कदे वी ए ना समझ सकीए कि साडी जिंदगी नु औखा करन वाले ओ भूत प्रेत ने जाए ठग लोग ए साडी मेहनत दी लुट करके सानू हमेशा कंगाल रखना चाहुंदे ने जे असीं संघर्ष नु अगे लेके जाना है तां सानू इन्हां वहिमां भरमां दे खिलाफ भी लड़ना पएगा आओ सानू इक होर पासे लेके चलदे हां ज्योतिषी मन मर्जी नाल उहनां दी छिल लाउंदा लो आ रहे ने ज्योतिषी दे गवाशे हाथ दिया रखावां दिखाओ जो किस्मत लिखिया उहदा पता पाओ दसदियां ने हाथ दियां लकीरां कींदे गलवे रेशमी पिशाकां ते कींदे गलवे लीरां ओ लिखी कोई मिटा नहीं सकता पेट उपर वाले दा कोई पा नहीं सकता ओ जे करिए कोई कौला तरे च मेल पै सकदी है उल्टी गंगा पै सकदी है ओए हाथ पेरों दे कमादरा तेरा पाया सच्चे पातशाह मेरे ते मेहर करी जे मेरा काम रास आवे ता मैं तेरे दर ते 101 रुपए दा परेशान चढ़ावांगा ओए आ जो शिकार हत लेऊगा माल कर दे ने अपन दा काम पार ओए बंदे दा आसा पेच सब खातिर के ते लिखया हुंदा है अरे ना लकीरा पे पढ़न वाला होना चाहिदा ओए तम ता अपने पेड़े जोशी रामदारी कर सकदा ओ तो जोत छिका जो पड़ा ही मार है ओए उस को ता लोग दौरा दे जल के होले आ अपने जगत पुछ के कर दे जे किसी फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनवानी हो अच्छा अपने ज्योतिषी पुछा लेंदे अच्छा भाई अब करने तो मैं कदम का फैसला होना सी ना अच्छा उसने अपने ज्योतिष का पूछा नहीं असे बरी हो गया अच्छा ओ भाई की दी गल करदे हो तुसी ओए असी असी तो अपने पिंड ज्योतिष रामदा दी गल करदे आ
पर तैनू की है तेरे कण कोई मतलब फैसला होने वाला है मेरे मुकदमे का फैसला भी अजे ही है मुकदमे फैसला भी अजे ही है और कोई होना फौजदारी केस शरीक वट पिछे शरीके च लगता मेरा भाई पानी की वारी पिछे मेरे हथो पटड़ हो गया से सेवा सुवा कर देंगे लै दो टाइम खर्च के रुपये कर दे।
खुद शनि मंगल नाल लड़िया मैं राहु ते केतु अड़ बैठे तेरे घर दा कौला अड़ बैठे कष्ट बड़ा सी भारा भगता मेरा जोर लग गया सारा भगता तेरा संकट भगता हर दिता जा बनी के तू कर दिता लेके पिठ मोड़ ली सोना सिंगल ढंग भगता किराया किधरों मंग के ले ली रुपये कट दे कोई भी बंदा जो कचहरी जाता तो ज्योतिषी नु जरूर मिलता एक पासे तो भेटा चढ़ती है दूजे पासे सुखना भी पूरी होती है पर की कदी असि इस पखंड बारे सोचा कि वाकया ही बंदे दी हाथियां रखावां ते ओदी तकदीर लिखी होंदी है भोपाल दे विच राती लोग सुते पर सवेरे उन्हां विच 19 लोग मरे होए सन हिरोशिमा ते नागासाकी विच जदों एटमी बम सुटिया गया तां 1,20,000 लोग मर गए पर की उन्हां मरण वाले 1,20,000 लोकां दे हाथां दी रखावां इक्को ही सन पर नहीं तां साडे दिमाग विच इक सीधा जिहा सवाल आ सकदा कि इन्हां हाथ दीआं रखावां दा चक्कर अगर है कि बच्चा जब मां के पेट में बंद होता तो उसकी मुठियां भी हमेशा बंद होती हैं जिस कारण उससे कुछ लकीर बन जाती हैं इससे कोई भी किसी किस्म की तकदीर नहीं लिखी होती बड़ा खतरनाक फलसा छुपया भावी जो मनुख नु कहंदी है कि बंदिया तू जिन्ने मर्जी यतन कर ले पर होना ओही है जो तेरी तकदीर दे विच लिखिया है जे असी चंगी जिंदगी जीनी है तो सानू इन्हां वहमां भरमां दे खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा आओ हम तुहानू एक होर बेहद लैके चलदे हां वाला तेरा ओ किस्तानी मेरे पीर वाला तेरा पीर वाला तेरा मेरे पीर वाला तेरा ओ किस्तानी मेरे पीर वाला तेरा ओ किस्तानी मेरे पीर वाला तेरा पीर वाला तेरा मेरे पीर वाला तेरा
करने वाले साहब का डेरा चुटकी मन की मुराद पूरी करता है साध डेरे गई टीवी पुत भी बख्शदा एक तो वड्डा साध हुंदा कुछ इस दे चेले चपटे हुंदे ने ਇਹ ਸਾਧ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨੋਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਹੀਰਾ ਕਰ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਡੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੜਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਛੱਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਛੱਟੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਤੀਲੀ ਵਾਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਟਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਠੱਗ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧਕ ਸਿਲਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਕੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਆਫਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੂ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪੀਪੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੱਤੀ ਅੱਥੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੱਤ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ हाँ बच्चा मैं दुखी हूँ ये दुखी तो सारी दुनिया ही है बच्चा मामा जी मैं बहुत दुखी हूँ की दुख है बच्चा तेरे मामा जी नहीं ना आप ही जाने जा रहा हम समझ गए मामा जी हम समझ गए तुम्हारे घर में कलेश रहता है और कलेश का कारण तुम्हारी माँ और तुम्हारी बोटी है बच्चा और बाबा जी मैं तो निकले नहीं पंच के रह गए पिस्ती तो ये सारी दुनिया है बच्चा लेकिन हम तुम्हें इसका हल बतलाएंगे बच्चा बता दे बाबा जी हल तो बता देंगे बच्चा लेकिन तुम्हारी श्रद्धा क्या है श्रद्धा मामा जी माया बाबा जी शी 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 हम साधु लोग इस मोह माया को हाथ बिल्कुल नहीं लगाते जो कुछ तेरे पास है इस चोली में डाल दे आराम से बैठ जाओ हम तुम्हारे लिए देवी माता से रिक्वेस्ट करते हैं मामा जल्दी करो हे माता टाटा हे माता ये तेरा भगत बहुत दुखी है इसके दुख का कारण पैसा नहीं है पैसा बहुत है इसके पास इसने तेरी अभी बेटा दी है और भी देगा सोने और चांदी के शक्कर भी चढ़ाएगा माँ हाँ माँ हाँ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ माँ दुख हारता है नदान है गलती हो जाती है माँ इसका दुख हारता है माँ इसके दुख का कारण इसका पैसा नहीं इसने पैसा अभी दिया है सोने और चांदी का शक्कर भी चढ़ाएगा माँ हाँ हाँ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ नदान है गलती हो जाती है हाँ बच्चा हाँ बाबा जी देवी माता का हुक्म है कि तुम्हें पवित्र राग दी जाए पर बाबा ये राग आओगे कितना ये राग देवी माता खुद भेजूगी देवी माता खुद भेजूगी लेकिन इस राग का असर तभी होगा जब तुम मोह माया का त्याग बिल्कुल कर दोगे पापा जी मैं मोह माया नहीं करना
मन का चैन ही नहीं रहा। फिर कब चाहोगे मेरे लाल, जो कुछ तेरे पास है अभी इस चोली में डाल दे बच्चा। हाँ लो बाबा जी, आराम से बैठ जाओ। पानी को सत्ता वाले तेरा वाला जाने खाली इंदर की बेटी ब्रह्मा की खाली बच्चा। हाँ बाबा जी, ये लो पापा ये प्लास्टिक की थैली में। हाँ बच्चा, समय के साथ साथ देवी माता ने भी तरक्की कर ली है। माली गल है, इस थैली में दो गुठलियां हैं बेटा। अच्छा जी, एक तेरी माँ के लिए और एक तेरी मोटी के लिए। थोड़ी थोड़ी उनके सर में डाल देना और थोड़ी अपने सर में भी डाल देना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा जी पैरी पहनते हैं। बाबा जी मत्था टेकते हैं। आओ बच्चा, हम तुम्हारे गांव में कब से तपस्या कर रहे हैं। कोई अन्न की श्रद्धा, कोई दूध की श्रद्धा। श्रद्धा तो बहुत है बाबा जी, भोलू दुद्ध और डोलू भरी ले आऊंगा। पर बाबा जी साढ़े मन एक शंका जी हो। कैसी शंका? शंका यह सादा, भी रात आई कहां से और प्लास्टिक की थैली में कहां से आई सादा। हम देवी माता पे किंतु नहीं करते, पर असी तो किंतु करांगे। ये रात का कितों नहीं आती, ये तेरे सिर के वालों से लगोई हुई सी, अजे होर भी होगी। पर छोड़ो, जे असी तेरी तलाशी ले लिए ते तुम कोई ऐतराज तो नहीं। तुम कौन हो तेरे तलाश लेने वाले? ओए सादा, ओए असी ओ लोग हां जेड़े तेरे वर्गे दा पखंडा लोगों के सामने नंगा करते हैं। ओए तने जित आगे पखंडा नंगा करन वाले, पर मैं तो इन्हां पाके दे लत्ता गुटे ने आ गराए नंगा जा। कदे मापिया की सेवा की? नहीं, बाबे को टाइम ही नहीं मिलना। बाबे वाले जवाकों कदे किताबा लेके दितिया? ना जी, जवाकों ने किताबा नहीं लेके दितिया। किन्ने जवाक तेरे? वाह बाबा की कृपा है। नठ दस जी, ए दस भी मार खानी है कि घर जाना? हाँ जी ना जी, सीधी तरह बोल, घर जाना है कि मार खानी है? हाँ जी ना जी। ओए हाँ जी ना जी, की मार खानी के घर जाना? घर जा जी, जा तोड़ जा। शराब दे दे, लिया दे दे। तुम नहीं जाते तो हम चले जाते। मेरे च कोई देवी नहीं आउंदी। अगे तो मैं दिहाड़ी करके रोटी खाऊंगा, अगे तो मैं ही दिहाड़ी करके ही रोटी खाऊंगा जी। कदे भी आके पिंड आल बोदला नहीं आउंदी। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜੋਂ ਪੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਅਗੇ ਮੱਥੇ ਟਕਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਚਾਹੁਣਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈ ਸੋਚ ਆਪਣੀ, ਵੇਲੜ ਸਾਧ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦਬਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਏਸੀ ਨਾਟਕ
पुरुष हार गए, ते पुरुष हार गए। वख-वख थावां दे विच वख-वख जिवें तरक्षण सोसाइटी है जां होर बड़ी सारी संस्थावां ने, यह सारा कुछ असीं तां ही कर सकदे आ जे असीं पढ़े होवांगे। किसी आदमी के घर एक चोर आ गया, चोर ने सारा सोना ते बाकी सारा कुछ चुक लिया। जदों सारा कुछ चुक के जान लग्या ते एक छोटे बच्चे नूं जाग आ गई। छोटे बच्चे ने चाकू कढ लिया, कहिंदा चोर जी मैं मम्मी नूं जगाण लग्या। क्यों? तुसीं सारा समान चुक ले चलिओ। कहिंदा लेकिन एक शर्त है, मैं मम्मी नहीं भी जगावांगा जे तुसीं मेरी गल मान लो। तो चोर ने तो अपनी जान बचाउणी सी, कहिंदा दसो जिहड़ी शर्त है मैनूं मंजूर है ते मैं तुहाडी गल मान लांगा, मम्मी नूं ना जगाना। कहिंदा मेरा स्कूल बैग भी लै जाओ। सो गल ये है कि तरक्षण सोसाइटी वाल आपां वापस आउंदे आ। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि जादू नहीं हुंदा, वहम परम माड़ी गल है। जिवें तुहानूं एक छोटी जी मैं डिटेल विच गल दस्सां कि वहम किवें माड़े हुंदे ने। जिवें नित सौणा सानूं आम समझ लै जांदा कि कोई बंदा अगर काम ते जा रहा है ते उहनूं नित आ गई अगों किसे नूं ते कह दिता जांदा वी इहदा हुण काम नहीं बनना। आपां सारे ही इत्थे पढ़न वास्ते आउंदे आ, लेकिन असीं की है कि किताबी पढ़ के पेपर दे के उस तों बाद सारा कुछ छड छड के चले जांदे। जिहड़ा भी कुछ असीं सिखदे आ सानूं अपनी आम जिंदगी ते लागू करना चाहीदा। निच किवें आउंदी है जे आपां नूं इह पता लग जावे, निच क्यों आउंदी है जे सानूं इस गल दा पता होवे तां साडा वहम अपने आप ही खत्म हो जावे। असल दे विच की कि साडे फेफड़िआं दा इक सिस्टम है, एक साडी साह नाली है ते एक साडी भोजन नाली। जदों असीं जो कुछ खाने भोजन नाली दे विच जांदा है ते जे गलती नाल कोई कख कोई चीज़ कोई खाने दा कोई बुरकी साडी साह नाली दे विच चली जावे तां फेफड़िआं दे सिस्टम अंदरों कट्टी हवा मारदे ने, और वो जिहड़े उस नाली नूं साफ़ करन दे वास्ते, जदों वो नाली नूं असीं साफ साडे फेफड़े करदे ने तां वो एक निच दे रूप दे विच हवा शरीर चों बाहर आउंदी है। तो ये साडे शरीर वास्ते साडे सिस्टम नूं चलदा रखण वास्ते एक चंगी गल है। हुण होण वाले काम नाल इहदा तां कोई भी लिंक नहीं है। सो इस तरह के साडे, मैं तुहानूं वार वार दोहरा रहा भी वहम भरम जिहड़े हुंदे ने किसी न किसी कारण बने हुंदे ने। जिवें उस औरत ने कह दिता सी भी दूसरी मेरी छोटी नूं उहदे वी बच्चा होण वाला, मैं कां दी वेट सटा के लियाऊंगी, एक वहम उहदे मन दे विच बन गया। इसी तरह किसे वक्त की होया होवेगा, मैं अपने आइडिया नाल तुहानूं गल दस्सदा भी एक दो तीन चार वारी कोई बंदा घरों बाहर जा रहा, कुदरती किसी ने निच मार दित्ती ते उहदा काम नहीं बनिया, तो उत्थों इह वहम पैदा हो गया कि निच मारन नाल काम नहीं हुंदा। पर असल विच इस तरह का कुछ नहीं हुंदा। कोई भी चीज़ जदों असीं सीखते हाँ, जिहड़ी भी चीज़ असीं मान लो स्कूल चों ज्ञान सीखते हाँ, मापिआं कोलों बोलना सीखते हाँ, असीं ड्राइविंग करना सीखते हाँ, कोई भी चीज़ है उस दी हमेशा चार स्टेजां हुंदियां ने। बच्चे बहुत ध्यान नाल सुनने वाली गल, जे ये गल तुहाडे समझ आ गई तो मेरा दावा है कि तुसीं जिंदगी दे विच अपने आप नूं हुण नालों किते ज़्यादा वधिया पाओगे। चार स्टेजां साडे सीखण दीआं हुंदीआं ने। पहली स्टेज सचेत ते अचेत तौर ते अनजाण होना। सुचेत की हुंदा भी जिवें हुण तुसीं मैनू देख रहे हो, मैं तुहानूं देख रहा, मैनू पता लग रहा स्कूल है या दरख्त हन, यह सुचेत तौर पर असीं जान रहे हैं। एक हुंदी है चेत जिहड़ी दिमाग दे विच गहरी जानकारी बैठी होनी, जिहड़ी साडे सुपनिआं विच वी आ रही हुंदी है, जां कई वारी असीं अखां बंद करके भी कोई चीज़ गुनगुना रहे हुंदे आ, तो उह साडे अचेत दिमाग दे विच बड़ी गहरी बैठी हुंदी है। जिहड़ी गहरी जानकारी नूं अचेत जानकारी कह लिया जांदा। तां सब तों सिखण दी पहली स्टेज है अचेत और सुचेत तौर पर अनजाण होना, यह भी एक सीखण दी स्टेज है। जिवें एक बच्चा है उसने जन्म लिया, उसनों साइकिल चलाना नहीं आता, ना वो साइकिल बारे जानता भी उसका एक टायर होंदा एक चैन होंदी है, इस तरह होंदा। वो सचेत और अचेत तौर पर अनजान है, ये पहली स्टेज है सीखने की। दूसरी स्टेज सचेत तौर पर जानकार होना। वो एक साइकिल वेखदा, अपने साथियों वेखदा चलाते देखता, तो इस तरह उन्होंने देखता कि एक साइकिल है, ये सुचेत तौर पर जानकारी है। तीसरी स्टेज आती है सीखने की कोशिश। पहली सुचेत अचेत अनजान, दूसरी सचेत जानकार, तीसरी सीखण की कोशिश कि वह बच्चा साइकिल चलाना सीखता डिगदा सीखता हौली हौली करके उन्हें चलाना सीख जाता। जो छे महीने साल उसकी प्रैक्टिस करता तो वह अचेत तौर पर भी जानकार हो जाता। पहली बार डिगदा हैंडल फड़ता साइकिल पैदल संभालता उदो पूरा ध्यान साइकिल वाले हुंदा, लेकिन जो चौथी स्टेज आ जाती है कि वह अचेत तौर पर जानकार हो जाता तो फिर वह साइकिल चला चला गल् भी कर लग जाता, हाथ भी छड़ के साइकिल चला सकता, बहुत कुछ इस तरह का हुंदा। मतलब चौथी स्टेज पर आके असीं अचेत तौर पर जो जानकार हो जाने
तो इस चीज़ की खूबी एक यह है कि असी पूरी तरह जानकार हो गए और इस चीज़ की माड़ी गल यह है कि फिर असी उस जानकारी मिटा नहीं सकते अपने दिमाग में ये चेत तौर पर जानकार होने सब तो माड़ी एक जी स्टेज है जिमें मान लो हम थोड़े चो जिन्हें जने भी सइकल चला जानते हैं हथ खड़ा कर हाँ जी ठीक है थोड़े चो बहुत सारे जने सइकल चला जानते हैं जे मैं थोनों कह कि तुम सइकल चला भुल जाओ तो कि भुल सकोगे नहीं भुल सकते क्योंकि अचेत तौर पर असं जानकार हो चुके हैं इस तरह ही जोड़े साडे समाज के वहम भरम फैले हुए हैं ये भी साढ़े दिमाग के अचेत तौर पर बैठ चुके हैं तो असी कोशिश करनी है कि असं भुल तो नहीं सकते लेकिन जोड़ा साढ़े समाज पर उसका बुरा असर है असं उसको कटा सकते वो जानकारी जो असी वहमों के खिलाफ लवेंगे किताबा पढ़ा जानकारी लवेंगे तो साड़ी वो जानकारी भी एक दिन अचेत मन चली जाएगी तो असी जेडे इन्होंने वहम भरमों तो मुक्ति पा लवेंगे ठीक है जी हाँ जी तो इस तरह एक होर मैसेज है मेरा इस तो बाद मैं अपने दूसरे साथी समा देंगा कि साडे समाज के शहर में क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ने पिंडा में घट ने साडे की होंगे कि भूतों प्रेतों की कसर आम ही हो जाती है ठीक है जी बच्चे मेरे ख्याल बोर हो रहे हैं आप एक तो मैजिक ट्रिक दिखा ली गल बाद करी ठीक है जी बच्चों का आप ध्यान इकट्ठा करते हैं जी आह वाली लाइन है मेरे हाथ तो इधर वाली ये एक नंबर जी इधर है दो नंबर ठीक है जी दो नंबर ने ताड़ी नहीं मारनी सिर्फ एक नंबर ताड़ी मारेगा जोर नाल जिन्ना भी जोर हाँ जी स्टार्ट बस 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 हाँ जी हम दो नंबर ताड़ी मारे दो नंबर की आवाज़ ज़्यादा आई है भी आप पिछे नहीं है किसी तो ठीक है आप भी उन्होंने दिखा देने कि असं जोर की ताड़ी मार सकते हैं दो नंबर ही मारेगा एक नंबर स्टार्ट बराबर सारे कट्ठी ताड़ी मार दे बच्चे बड़े खुश हैं मान के चलो मैजिक की सिचुएशन मैं तुम्हें भूमिका सिखा समझा रहा कि यह मान के चलो कि एक घर है एक घर के दो पाइपां ने वो दो कमरे ने ठीक है जी आ जिहड़े बाहर धागे लटक रहे ने यह मान के चलो कि दो भरा ने ठीक है जी ये अपने अपने कमरों के बड़ी खूबसूरती प्यार दे नाल बैठे ने हुण एक भरा घरों बाहर चला जाता ठीक है जी इन्हां दी आपस किसी न किसी कारण लड़ाई होगी तो जदों भी एक भरा दूसरा घरों घर नूं आउंदा ते इक चला जाता जदों वह आउंदा ते वह चला जाता ठीक है जी मैं पिछे अपने साडे पिंड दे स्कूल ही ट्रिक कर रहा सी वो एक बच्चा उठा मैनूं कहिंदे सर जी ये तो कोई वड्डी गल नहीं हुई तुसीं दो पाइपां लईआं ने इन्हां दे विचों एक लंबा सुराख कीता एक लंबा धागा पा के दोनों साइडां ते बरीक धागे बन्ने हुए ने जदों उहनूं खिच्चदे तो उपर आ जांदा उहनूं खिच्चदे तो उपर आ जांदा एवें ही है हाँ जी बच्चे कहते हाँ जी तुहानूं मैं किन्ने वारी समझा चुका कि तुसीं मेरे मगर नहीं लगना तुसीं अपने दिमाग नाल गल करनी कि की हो सकता हुण तुहाडा मन की कहिंदा हाँ जी सुमन जी तुसीं दसो ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਦੂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਗਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ
मैजिक के नाल वापस आ जाए। असल च इन्हां दा कोई भी नहीं। हाँ जी, तो तरकशील सैटी जिवें मैं तुहानू जादू बारे पहले गल की है, एक लास्ट गल उस तो बाद मेरे साथी भगत सिंह जी तुहाडा नाल अपने विचार सांझे करनगे। एक बुक के उपर चार पत्तियां वखरा वखरा लगा दिता, ठीक है जी, उल्टे पत्ते तुहाडे सामने लगा दिते, हुण इहदे उपर मैं जादू लगावांगा, ठीक है। सारे ने देखना कि जादू किवें लगता, जिन्हें जिन्हें ने जादू सीखना। जादू इहदे उपर है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जादू लग गया, ठीक है जी। मतलब वार बार मैं तुहानू दस रहा भी जादू नाम दुनिया से कोई चीज़ नहीं, तुसीं चाहे गिली गिली शू कह दिओ, चाहे शू मंत्र कह दिओ, चाहे जनवरी फरवरी बोल दिओ, इको ही गल है। जिहड़ा धोखा करना मैं तुहाडे नाल कर लैणा, मैं करना धोखा तुहाडे नाल जादू का नाम लैके। सारिआं ने अपनीआं अक्खां तेज रखनीआं कि मैं धोखा कित्थे करना, ठीक है जी। तो इन्हां चारां पत्तियां दे विच्चों एक पत्ता मैं चुक के अपनी जेब च पा लिया, बाकी किन्ने पत्ते रह गए, उही पत्ते नूं जादू लगा के मैं वापसी इहदे विच रख दित्ता, ठीक है जी। तो बच्चे कहिंदे बदल लिया, चलो मन लो बदल लिया। तो मेरे को किन्ने पत्ते सी, चारों पत्ते अलग अलग सी, एक नाल दे सी अलग अलग सीगे, तो उन्हां दे विच्चों आपां किन्ने पत्ते बदले, एक। तो मेरी छोटी सिस्टर सुमन जी स्टेज पे आउणगी, हाँ जी जल्दी आ जाओ। चार पत्ते सी जी, ठीक है जी, इन्हां नूं तुसीं सीधे करके विखा दो, चारों पत्तियां नूं सारिआं नूं, तुसीं नहीं देखना, इधर इधर आ, तुसीं सारिआं नूं दिखा दो, उन्हां नूं पुछना कि कहड़े कहड़े पत्ते ने, एक एक करके दिखाते जी, एक एक करके, की है जी, ठीक है जी। दूसरा अगे दिखाओ जी, तीसरा, आप किन्ने पत्ते बदले सी, एक। हाँ जी, तुहानू लगता है तारे बात के बारे मतलब हूँ जी, मैं सुमन ने क्योंकि पत्ते देखे नहीं, तुम सारे ने देखे ने, इन्हों ने मैं जिन्ना मर्जी कह दिया कि चारों पत्ते उही ने, एक पत्ता बदलिया ये नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं, ठीक है जी। जादू इस चीज़ का नाम है कि वह कुछ कर देना जो रूटीन के नहीं हो सकता। तो दोबारा तुम देख लो कि चारों बादशाह बन गए, एक पत्ता बदलन देना, ठीक है जी। इस तरह साढ़े को बहुत सारे जादू के होर ट्रिक ने, वह भी तुम्हें दिखावे, तो ता सारे का बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा सुखदेव जी, बच्चो तुसी सारिआं ने जादू भी देखिआ ते तर्कशील दीआं गल्लां भी सुणीआं ने, इहदे तों तुहानूं लग्गिआ होएगा कि इह कोई भी गल फालतू नहीं है, बहुत अच्छीआं गल्लां ने ते जिंदगी दे विच कम आउण वाली गल्लां ने। असीं टाइम तां एक घंटे दा रखिआ सीगा, लेकिन थोड़ा जिहा टाइम असीं तुहाडे कोल ज़्यादा लै रहे हाँ, ज़्यादा इस करके लै रहे हैं कि पढ़ाई के नाल नाल ये पढ़ाई तो भी ज़्यादा गल्लां काम ने, तो सारी जिंदगी काम आने वाली गल्लां ने, ये गल्लां भुलाउणियां ने, गल्लां याद रखनियां ने। एक गल तुहाडे ध्यान विच असीं लियाउणी चाहुंदे हां कि जदे जिहड़े बच्चे साडी थां ते आ के काम करना चाहुंदे है, वह साडे तो ट्रेनिंग लैके ये काम नूं सीख सकदे है। तुहाडे स्टाफ वल्लों इस मैजिक के संबंध के सी बी ए दे विच्चों हार किवें निकलिया सी, ठीक है जी, कि पाए तो 50 रुपये सी, इहदे चों हार किवें निकलिया, सो असीं तुहानूं इहदे बारे च व्याख्या दिंदे हां भी इहदे विच की सिस्टम है ते हार हुण की आउणी गा, तुसीं आप देख लो। मैडम हाथ पा के हार हैगा सर, अंदरों फटिया हुआ है, देख लो तुसीं, फटिया हुआ कोई गल नहीं, साइड ते रख्या हुआ, नहीं नहीं देख लो साइड ते भी देख लो, मतलब की है जदों असीं गल सिखण दी करदे आ ते जदों तक असीं डीपली नहीं जावांगे सिखांगे किवें, जाना पुत ध्यान नाल गल सीखण दी है भी असीं उहनूं सिखांगे किवें। हुण इहनां ने कहता भी फटिया होणा, भी बच्चे सारे अपनी निगाह कम करदी है, आपां देख सकदे फटिया फुटिया है नहीं है, तो फिर इस तरह की कहड़ी गल है भी इहदे विच जिहड़ी उह आपां नूं पता नहीं लग्या भी नोट इधर उधर हो गया जां की होया, कोई गल नहीं कढ लो, गड़बड़ तो है।
पार्टीशन बन मैडम। हाँ जी बच्चों देख लो साढ़े को की है, ये थले एक कुंडी लगी है, ये थले एक कुंडी लगी है, ये दो पोर्शन है, एक पोर्शन कुंडी ना जोड़िया होया ते एक कुंडी ना दूजे पासे जोड़िया होया। हुण जदों असीं पैसे पाउण दी गल करदे हां ते कुंडी नूं बदल के इस पासे कर दिंदे हां, इहदा पोर्शन एक फ्री हो गया जी, जिहदे च रिबन सीगा पैसे वाला पोर्शन खत्म हो गया ते दूजा पोर्शन है वह साफ हो गया, ते हुण जदों असीं रिबन कढ के दे दित्ते ते पैसे खोले तुसीं भाली जाओ कुछ भाली जाओ ते चुनी जाओ, गल फटे दी नहीं है, गल जोड़ दी नहीं है, गल सारी इस कुंडी दी है, इस कुंडी ना आ लो पीस बदलता सी। ते अगली कारवाई जिहड़ी इहदे च असीं कर सकदे हां, रिबन साडे आ पए, फिर अगला मौका मिलिया तां असीं तुहाडे नाल सांझा करांगे। बच्चे की गल याद आई है, मेरा बेटा छोटा जिहा है, मैं छिंदा जी नाल इसे तरह प्रोम करके जो शाम नूं घरे गया, मैं सोफे से बैठा अपने कपड़े चेंज कर रहा सी, बूट ला रहा सी, तां मेरा बेटा मेरे कोल आया, क्योंकि अज दे न्याणे इहो जिहे है, उहनां कोल इहो जिहा स्कीम बन जांदी है, कई वारी मां बाप नाल गल करदे कि मां बाप आप सोचते रहिंदे है कि साडा बच्चा इन्ना तेज निकल जा, कई वारी उह गल मां बाप नूं सुझदी जो बच्चा कर जांदा है। हुण मैं कपड़े चेंज कर रहा सी, मेरा बेटा मेरे कोल आया, मैनूं कहण लगा डैडी मैनूं 5 रुपए चाहिए है, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਦੇਣਾ 5 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 5 ਰੁਪਈਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਖਿੱਚੜਾਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡੀ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਬੱਚਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੜਦਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਓ, 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਅੰਕਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਓ, ਸੋ ਲੈ ਗਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਵਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਰੋ
मैं विद्या के गण जी मथे बाले नीच राग शीरा कहते किने चुकना सी रानी झांसी ने लक्ष्मी बाई ने कहते वस्त्र पहन के घोड़े चीले चढ़ के जंग लड़िए मुलाजम साहब कहते भी सानू भी दरबार उत्ते 12 साल हो गए मत्था टेकदू बाबा की बड़ी कृप इस डिपार्टमेंट का कहते बड़ा ना बड़ी सेवा है दाता तुहाडे परिवार नू तुहाडे बच्चे नू तंदुरुस्ती दे और अगे तो इसे तरह तुहाडा दुनिया उत्ते नाटर ते गल पैंदी है पर मकान के अंदर इधरले पासो बल्ले बल्ले करा दी है बिल्कुल कहते ढाके बही है खेल मैदान के अंदर बड़ी जालम जाफी है पर पॉइंट जाफी के खाते जुड़ता हुआ बहुत वधिया मैच जी खेल मैदान इस वेले खेडा जा रहा है मैदान खेडे जाएंगे लाओ सामने पाई हुई कबड्डी इस वेले मैदान आप देखांगे एन पॉइंट जोड़न की कोशिश कर दी है खिडारना नाल मनोहर सिंह जी सरपंच साहब ओम सिंह जी सुनिए जेतों धी का कतल कुख जब बाप करता फसे बंदे की जरा जमीन लगा रब ने कदे माफ करता दुनियादारी के उल्टे वहन हो गए आ बठिंडे वाला का गल साफ करता अज कबड्डी के मैदान दुनिया के महान खिडारना पुजिया है और देखांगे भी खेल मैदान पाई हुई इस वेले कबड्डी और देखो सामने भाई शोक जी उन्होंने आशिक दिशा पूरे हो गए खत्म सुपरदे खाक करते ने मोहम्मडन कौम च हों जो कोई पूरा हो जाए उन्होंने सुपर दे खाक कबर पट के दब दे हूँ वो रूह तरफ रही है इन्नी दुनिया आई सी वो मरिया होया भी सोचता भी वो भी आई सी जिदे पिछे मरिया मैं जिदे लिए मैं मर गया की है रब दे बंदे ओ सुन लो कबराज ख्याल कबराज ख्याल पुत कोलो रूह पुछ दे बीबियां पीर फकीर दे जुगनी लोको पीर फकीर दी बाबा फरीद अब भाई जी सुनियो ढोलिया ढोलिया
मत छुयो मत छुयो मुझपिया मिलन की याद हो मुझपिया मिलन की याद कुबारे वाले हो पिया के दे हो ना समझ लियो जेड़ा वो होता वो नहीं ये ऊपर जेड़ा सामने रिज़क देता है बाबा फरीद साहब और रब नु भी कह देते सी मैं ता इत्थों की लेना मैं ता तुहाडे नहीं मंगना वो गल सुनन वाली है साडे मित्र यार मेरे गरीब खाने गए सी ए तो नैना मत छुयो मत छुयो मुझे पिया मिलन की आस हो मुझे पिया मिलन की आस जे मेरे नाल वापरी होएगी ना तो तुहाडे नाल तकरीबन तकरीबन 90% ये गल वापरी होएगी क्योंकि बंदा जदों ब्याह हो जाता एक साल दा प्यार घरवाली नाल बड़ा मुहब्बत प्यार बड़ा ही घूमण फिरण जाना इत्थे जाना उत्थे जाना जिन्ना पैसा खर्च हुंदा कर दिंदा बंदा साल तो बाद तीजा जी घर दे विच आ जांदा वो प्यार उधरों फिक्का पै गया उधरले पासे नूं वध जांदा वो प्यार थोड़ा 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 जिहड़ा ना वो काफला बनदा जांदा एक साइड ते हो जांदा है मैं अपने घरवाली नूं पुछिया मैं कहा भागवन ने तू अज मैनू यह दस मैं मेरे घर के मंदिर बनया होया मैं उत्थे लैके बह गया मैं क्या तू यह दस तू जिंदगी मैनू कितना कि प्यार करती है कहती है कि वड्डी गल है मैं तुहानू रब नालों ज़्यादा प्यार करती है मैं क्या फिर अज तेरा एक इम्तिहान आना है जरा सोच के जवाब दी फिर पता लग जूगा कि प्यार करती है कहती कोई गल नहीं आन दो मैं क्या गल सुन जे मैं डबल बेड से बैठा होवगा तो तू कितने बैठेगी कहती तो मैं कहा तुम मेरे सिर के साई हो मेरे पति परमेश्वर हो मैं थोड़े बराबर नहीं बह सकती मैं क्या वाह ठीक है जे तुम डबल बेड से बैठोगे मैं नाल सोफे से बह जाऊंगी मैं क्या वाकया जनानी रब नालों ज़्यादा प्यार करती है मैं क्या जे मैं सोफे से बह गया तो फिर कितने बैठेगी कहती तो एक बार क्या कि तुम मेरे सिर के साई हो पति परमेश्वर हो तुहाडे बराबर नहीं बह सकती तुम सोफे से बैठोगे मैं नाल कुर्सी से बह जाऊंगी मैं क्या जनानी वाकई है रब नालों ज़्यादा प्यार करती है मैं क्या हूँ थोड़ा थोड़ा जवाब जेड़ा ना सोच के दी अगे तो अगे मैं क्या जे मैं कुर्सी से बह गया तो फिर कितने बैठेगी कहती इस कड़ी वड्डी गल है तुम कुर्सी से बैठोगे मैं तुहाडे बराबर नहीं बह सकती मैं नाल पीढ़ी से बह जाऊंगी मैं क्या जनानी वाकई है रब नालों ज़्यादा प्यार करती है मैं क्या हूँ अगे थोड़ा सोच के जवाब दी मैं क्या जे मैं पीढ़ी से बह गया तो फिर कितने बैठेगी कहती मैं तुहाडे बराबर बह ही नहीं सकती तुसी पीढ़ी से बैठोगे मैं जमीन से बह जाऊंगी मैं क्या हूँ सोच के जवाब दी हूँ प्यार तेरा जरा इतने यद अर्थ निकलना की अर्थ है मैं क्या जे मैं जमीन से बह गया तो फिर कितने बैठेगी कहती ए कड़ी वड्डी गल है मैं तुहाडे बराबर नहीं बह सकती तुसी जमीन से बैठोगे मैं टोआ पट के जमीन के बच्च बह जाऊंगी ओ मैं क्या जनानी वाकई रब नालों ज्यादा प्यार करती है मैं क्या हूँ सोच के जवाब दी जे मैं टोए च बह गया तो फिर कितने बैठेगी कहती फिर कितने बहना उस तो मिट्टी पा देगी एहोजा प्यार है अजकल का कदे प्यार हुंदा सी पत्ती बार के बनेरे उत्ते रखनी अगे लंघ ना जावे चन्न मेरा ते अजकल का प्यार जुत्ती झाड़ के मैं हाथ विच फड़नी है सुखा लंघ ना जावे निवाही मेरा ये अजकल का प्यार है सो लो एक बार जोरदार ताड़ियां इन्हां भैणां वास्ते सो अगलिया लाइना मेरी कहनी मुंडा पींदा ना शराब परे हो जा मेरी बेइज्जती खराब हो रही है इन्हें तबले तबले नहीं पी है तीन तीह बोतल चाली बस कर टिप टिप
दिन तीह ते बोतल चारी आ जा मैया कर गिणती सुरेश जी हो सकता कभी है नहीं हो सकता नहीं हो सकता ताड़ियां लाओ ए मेरा काफला है दिन तीह ते बोतल चारी पहली गल ते है मैं जिंदगी कदे शराब नहीं पीती जे कित पी भी लवा जे कुत्ता मूंह चट भी जावे तो मैं कुछ नहीं कहता समझ मैं शराबी है फिर कहते को पैसे है तो जा कहते फिर कि ठगी बची हुई है और तुहानू की पता मैनू तो 2 महीने हो गए मेरी तो रोटी ढाबे ते लगी हुई है क्योंकि 2 महीने हो गए मेरे घर वाली भज्जी हुई है झटकना दे मुइए और डौंडी पिट तू तेरी जहान उत्ते